पेपरमेंट, डेट्स एंड नट्स, यहाँ पर हर तरह के खजूर हैं जो अरब कंट्रीज से, ईरान से आए, और यहाँ पर अंजीर, जैतून का तेल, हर तरह के सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी आइटम्स खाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। यह दुकान खंजर गली दरगाह के बिल्कुल बाजू में, शालीमार होटल के बिल्कुल पीछे, हरमैन डेट्स एंड नट्स, सेहत के लिए यहाँ पर आना न भूलिए। आदाब, मैं जमील अहमद, ये प्राइम न्यूज़ इंडिया और संचार टाइम क्राइम न्यूज़ है। आइए देखते हैं इस वक्त की अहम खबर क्या है। इस वक्त की अहम खबर और बड़ी खुशी की खबर ये है कि जिस तरह से असद खान सोसाइटी का रोड बनाने के लिए बेनके, अनिल बेनके ने, जो बीजेपी के एमएलए हैं नॉर्थ के, उन्होंने एक यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रखा था और कुदाली के ज़रिए इस रोड को खोद कर इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वालिटी का जो रोड बनाने का वादा किया था, उस वादे को आज उन्होंने पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देखें तो तमाम लोग मौजूद रहे और इस रोड की मरम्मत का काम और पूरी हाईटेक रोड बनाने का काम इन्होंने शुरू कर चुका है और लोगों में बड़ी खुशी का माहौल है कि यहाँ पर रोड हो रहा है। कम से कम 20 साल से यहाँ पर रोड नहीं था, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी थी, एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे थे, गाड़ियाँ स्किड होकर लोग गिर रहे थे, मगर आज इस मौके पर पहुंचे हैं कि आज यहां रोड का काम शुरू हो चुका है और लोगों में बड़ी खुशी नजर आ रही थी। हमने देखा, देखने के बाद महसूस किया कि सचमुच लोगों को जो बेसिक जरूरतें हैं, जिसमें रोड है, गटर्स है, पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है और ऐसे चीजों को जो है जरूर इंसानियत की खिदमत के लिए फौरन होना चाहिए था, मगर इतनी देर हुई मगर दुरुस्त हुई। अब लोगों में खुशी का माहौल है और इसके यहां के जो मशहूर कारपोरेटर हैं, जिन्हें बाबा जान मतवाले कहा जाता है, इनकी इतनी कोशिश यहां पर थी कि वो हमेशा एमएलए अनिल बेनके के पीछे रहते थे और यहां के एरिया के पूरे काम कैसे बनाया जाए और लोगों को किस तरह से सहूलत दी जाए और लोगों के हर परेशानी को दूर कैसा किया जाए, यही उनकी सोच थी। अब वो इतनी खुशी में नज़र आए कि उनकी सोच, उनकी तड़प जो है सचमुच एक कामयाबी की मंजिल की तरफ बढ़ गई है। और सबसे अहम चीज़ यही है कि रोड का काम शुरू हो चुका है। जैसे रोड का काम शुरू होगा, गटर्स होंगे और जो है 24/7 गैस पाइपलाइन होगी, इन तमाम चीज़ें जो है की सहूलत जो है इंसानों के लिए और यहाँ पर बसने वाले लोगों के लिए मुहैया की जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है और ये बेसिक ज़रूरत है जो इंसानियत के लिए काम आते हैं। बाबा जान मतवाले सचमुच एक ऐसे वर्कर हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और जद्दोजहद के साथ इस तरह के काम अंजाम देकर लोगों को एक तरह की सहूलत और खुशी फराहम करने की बहुत बड़ी कोशिश की है। आइए देखते हैं किस तरह से इन्होंने प्राइम न्यूज़ इंडिया से बात करते अपने ख्याल का इजहार किया और उनके साथ वहाँ पर रहने वाले लोग, जिसमें सलीम गोल वाले हैं, इन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। यंग कमेटी के लोगों ने भी इजहार किया और बताया कि सचमुच बाबा जान की मेहनत जो है आज रंग ला चुकी है। आइए देखते हैं। अच्छा सर, बाबा मैं जमील अहमद, प्राइम न्यूज़ इंडिया और संचार टाइम क्राइम न्यूज़ के खास बुलेटिन में आज हम कर्नाटका के शहर बेलगावी में है। बेलगावी में असद का सोसाइटी एक एरिया है जो बहुत ही खूबसूरत एरिया है। यहाँ के कारपोरेटर बाबा जान मतवाले हैं जिन्होंने काफ़ी मेहनत में लगे हुए हैं कि लोगों को हर तरह की सहूलत मिले, रोड हो, गटर हो, लाइट हो, पानी की सहूलत हो, गैस 24/7 हो लोगों को पाइपलाइन के ज़रिए, इन तमाम चीज़ों में लगे हुए हैं। ये काफ़ी दिन से यहाँ का फाउंडेशन भी डाला गया था यहाँ के एमएलए अनिल बेनके, जो बीजेपी के, उनकी तरफ से, मगर कम से कम 2-3 महीने हो गया अब इस एरिया का रोड का काम शुरू हो चुका है और यहाँ के कारपोरेटर बाबा जान मतवाले हैं, इन्होंने काफ़ी पीछे पड़कर इस शुरुआत को शुरू किया है और बड़ी खुशी की बात है, तमाम लोग भी यहाँ पर खुश हैं। बाबा जान भाई, ये जो काम चल रहा है इससे आप कितना खुश हैं और लोगों को क्या बताना चाहते हैं? यहाँ पर जब असद खान सोसाइटी 2006-07 में जब स्टार्ट हुई थी, तब से लेकर आज तक यहाँ पे छोटे मोटे काम हुए थे, क्योंकि तो आने के लिए जो पानी का प्रॉब्लम हो रहा है, बारिश के अंदर जो नाला भर के आता है, नाले की वजह से यहाँ के लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। जब अनिल बेनके साहब जीत के आने के बाद में यहाँ के लोग, यंग कमेटी, जमात, सब लोग मिलके अनिल बेनके साहब को 1-2-4 बार मिलने के बाद में उनको आज कर दूँ कल कर दूँ और बोल को ना आश्वासन दिल देते। बाद में जैसा हमारा कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होने के बाद में हमारे को लेकर उन्होंने जो अब काम के पीछे लगे, तो जो रफ्तार से जो काम के पीछे लगे, आज नतीजा यहाँ पे देख रहे हैं आप। जो 10-15 सालों में जो काम नहीं हुआ था यहाँ पे असद खान सोसाइटी, न्यू वीरभद्र नगर,
फारूक अकालनी, आज वो काम की रफ्तार जोरों से चल रही है। और जिस तरह से काम चल रहा है, बहुत सालों से लोग परेशान थे, अब लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहिए? जो कुछ चीज़ें आगे आ चुके हैं जिसे तोड़ा भी जा सकता है, जैसे पहिया है, ये है, उसके बारे में लोगों को अपील कीजिए। लोगों से हमें यही अपील कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पे जो रोड बन रहा है, जितने 30 फुट का है, 40 फुट का है, जो लोग हमारे को कोऑपरेट कर रहे हैं उनको कोऑपरेट करना, नहीं करे तो हम उसे जीसीपी लगा के कट करके अभी वो रोड को 30 फुट रन दे, नहीं तो 40 फुट रन दे, पूरा काम करने के लिए हमें तैयार है। और जो जो सहूलतें दे, सब पानी का है, ये गैस की पाइपलाइन है, यह सब भी हो रहे हैं? गैस की पाइपलाइन का भी काम होता है और पानी के 24 आवर्स का भी काम चालू होने वाला है। अभी हमें जो 3 फुट 4 फुट जो पैसे छोड़ के काम कर ले रहे हैं यहाँ पे, वो 4 फुट छोड़ के काई को कर ले रहे हैं, बोले तो आने वाले दिन के अंदर गैस की पाइपलाइन और पानी की पाइपलाइन के स्तर छोड़ के काम कर ले रहे हैं। बाबा जान की मेहनत और बाबा जान के साथी सब यहाँ पर जमा है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारी यंग कमेटी और जमात के साथ से मेरे को उम्मीद जगी है कि मैं यहाँ काम करके दिखलाना बोल के, सब लोग मेरे साथ में रहने के बाद में मेरी काम उम्मीद जगी है कि मैं सब लोगों को लेके काम कर रहा हूँ। मैं अकेले को छोड़ा है, अकेले को पकड़ा है, वैसा नहीं है। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन विरुद्ध है, कौन नहीं है, मैं सबको लेकर काम कर रहा हूँ। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। इनके बोलते हैं अभी यंग कमेटी से आप ताल्लुक रखते हैं, जो काम हो रहा है, कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है क्योंकि यहाँ पर बहुत दिनों से रोड का डैमेज के वजह से लेडीज़ को भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। आप जानते हैं कि लेडीज़ जो गाड़ी चलाती है, स्केट होकर बहुत से लेडीज़ बच्चे गिरे हैं। तो हम बाबा जान भाई का और हमारे MLA साहब का बहुत तहे दिल से यंग कमेटी की जानिब से और यहाँ के रहवासियों की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत ही कम वक्त में यहाँ का डेवलपमेंट का काम शुरू किए हैं। आप सर? हाँ, यही तकलीफ तो बहुत थी, अल्लाह का करम है और बाबा जान की मेहनत और बेनके साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, हम उनको मुबारकबाद शुक्रिया अदा करते हैं उनका। हमारा काम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया सर, थैंक यू सर। बोलिए सर, ये जो भी काम चल रहा है असदगंज सोसाइटी में, हम बाबा जान का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। खबरों को प्राइम न्यूज इंडिया को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर करना न भूलें।